हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल तो देंगे ही, साथ ही एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पिक भी देंगे और साथ ही साथ अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। आज यानी 27 अप्रैल को निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले निफ्टी आज ओपन हुआ 9260 पर, और उसके बाद निफ्टी ने इमीडिएटली 9250 का लो लगाया और वहां से निफ्टी ने 9400 के लेवल को टच करने की कोशिश की। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि निफ्टी ने 9400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो 9400 का रेजिस्टेंस जो है वो उसको टच नहीं किया और 9377 का हाई बनाया निफ्टी ने, और 9377 से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि निफ्टी को फाइनली 9282 पर क्लोजिंग दी। कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए भी इस वीक में सबसे पहली बात तो यह है कि इस वीक में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है 30 अप्रैल को, तो इसलिए रेंज कई बार थोड़ी बहुत 20 पॉइंट से या 50 पॉइंट से ऊपर नीचे हो सकती है। तो जो रेंज में दे रहा हूं आपको, कल के लिए निफ्टी ऊपर में 9350 से लेके 9400 तक के लेवल में ही रह सकता है और वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है जो कि निफ्टी को 9250 से लेकर 9150 तक के लेवल पे ले जा सकती है। हमारे व्यू उछाल पे बिकवाली का ही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 1987 पर, जो कि इमीडिएटली उसने 19848 का लो बनाया, और उसके बाद जैसा कि आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में एक गैप है, उस गैप को बैंक निफ्टी फिल करने की कोशिश की और बैंक निफ्टी ने वही गैप फिल किया और बैंक निफ्टी 20200 से 20000 की रेंज में घूमता रहा और फाइनली बैंक निफ्टी ने 20081 के आसपास क्लोजिंग दी। कल के लिए अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कल 20400 से लेकर 19600 की एक रेंज है, जो एक बड़ी रेंज है, उसमें बैंक निफ्टी घूम सकता है क्योंकि थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है ज्यादा। तो अगर आप कल के लिए 20300 से 20400 के लेवल पे आप बैंक निफ्टी को बेच सकते हैं और नीचे में 19900 से 19600 तक के लेवल हम देख सकते हैं। हमारे भी उछाल पे पिक वाली का ही है। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। आज का हमारा पिक ऑफ द डे है ITC। F&O का शेयर भी है, तो हालांकि वॉलिटिली बहुत ज्यादा नहीं रहती इस शेयर में। आज का भाव इसका 180 का है। कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इस स्टॉक को डिप्स पे यानी 177 के 177 के लेवल पे आप खरीद सकते हैं। साथ ही इसका टारगेट प्राइस हमारा है 185 का, जो कि अगले 7 दिन में आ सकता है। स्टॉप लॉस को 173 से नीचे यानी 172.90 के पैसे के आसपास क्लोजिंग बेस पर रखें। ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है वीकली चार्ट पर। साथ ही जो हमारा परचेज प्राइस है, उस स्टॉक की जो सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन के आसपास है, तो इसलिए एक लेना बनता है। और दूसरी चीज, साथ ही वीकली चार्ट पर एक रिवर्सल दे रहा है स्टॉकिस्टिक्स में, तो इसलिए हम स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों के सवालों की। हमारा पहला क्वेश्चन है सरदार काका टीका, इनका क्वेश्चन है बजाज फिनसर्व के शेयर के बारे में बताएं कि ये बाई करें या नहीं करें। तो सरदार जी, आज बजाज फिनसर्व का करंट भाव है 4661 रुपए का भाव है। अगर टेक्निकली भी इस पे मैं देखूं स्टॉक को, तो स्टॉक में एक डाउनसाइड गैप बनाया था 23 अप्रैल को, और ये उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। जो गैप फिल होगा वो 4700 से 4750 के आसपास फिल होना चाहिए और वहां पे एक दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए स्टॉक में, जो कि स्टॉक को 4500 के लेवल तक ले आ सकती है। और हमारा व्यू बैंकिंग और NBFC सेक्टर को लेके अभी भी नेगेटिव है, और एटलीस्ट इस क्वार्टर में हम इस सेक्टर में हम कोई रिकमेंडेशन बाय की नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हेमंत गोयल जी का, इनका क्वेश्चन है वेदांता के ऊपर। इन्होंने 100 शेयर खरीदे 84 रुपीज के भाव पर। वेदांता का आज का भाव 78.45 है। टेक्निकली अगर बात करूं, ये स्टॉक अगर 73 रुपए के लेवल को तोड़ता है तो हम 70 से 68 रुपए के लेवल भी देख सकते हैं। ऊपर में बात करूं तो अगर ये 79 के लेवल क्लोजिंग बेस पे अगर करता है तो हम इसमें 83 तक के लेवल देख सकते हैं, और साथ ही अगर 87 के लेवल को क्रॉस करता है क्लोजिंग बेस पे तो हम इसमें 95 से 100 रुपए तक के लेवल भी देख सकते हैं। हालांकि हमारा व्यू स्टॉक में अभी होल्ड का है। साथ ही अगर आपके पार्टिकुलर किसी स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे दर्शकों का भी और भी कुछ सवाल हैं जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर लेंगे। बाकी हमारे चैनल को देखते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।